क्लास टेंथ के प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, यानी ये समझने वाली टॉपिक है। और ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है और टॉपिक का नाम है आय और अन्य मापदंड। क्या आपके जीवन के लिए सब कुछ आय यानी इनकम को ही महत्वपूर्ण माना जाए या अन्य मापदंड को भी? अगर इनकम को सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाए तो वो क्यों? अगर इनकम केवल इनकम रहे, केवल इनकम रहे, बाकी और सब सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध न हो, तो वो इनकम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। जैसे यदि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा इनकम है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, अच्छी इनकम है हमारे पास, लेकिन यदि मुझे किसी तरह का, या यूं कहें कि मुझे स्वतंत्रता, मेरी स्वतंत्रता सीमित कर दी है, बहुत इनकम है लेकिन स्वतंत्रता को सीमित कर दिया है, तो वो इनकम व्यर्थ है, बेकार है, किस काम? हमारे पास पैसे बहुत हैं लेकिन हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं घूम नहीं सकते, आने जाने की स्वतंत्रता नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, तो ऐसी अगर स्वतंत्रताएं नहीं है, हमारे जो मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं, अगर वो स्वतंत्रताएं ना हो तो हमारा इनकम किस काम? सुरक्षा, हमारे पास बहुत ज्यादा इनकम लेकिन हम असुरक्षित वातावरण में, यानी सुरक्षा का कोई माहौल नहीं है, कभी भी हमारे जीवन पे संकट आ सकता है। तो जब हमारा जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो हमारा पैसा कैसे सुरक्षित है? तो सुरक्षा यानी पैसे, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर हम समानता को लें, हमारे पास इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन हमें समाज में असमानता की दृष्टि से देखा जाता है, असमानता का व्यवहार किया जाता है। हमारे पास इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, शिक्षित नहीं हो सकते, आने वाली पीढ़ियां अशिक्षित हो जाएंगे। और स्वास्थ्य, इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन हम रोगग्रस्त हैं, रोगी, हमारे परिवार के सदस्य रोगग्रस्त हैं, क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी हैं वो भी पर्याप्त नहीं है, उचित रूप में नहीं है। और हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ का वातावरण प्रदूषित है, निष्पक्ष वातावरण नहीं है, हम जहरीले ऑक्सीजन ले रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा एक सहायक है लेकिन एकमात्र आधार नहीं,
पैसे के अलावा यानी इनकम के अलावा और अन्य मापदंड होते हैं जो व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जैसे हम एक बता ही दिए हैं पॉइंट में, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित माहौल, स्वच्छ वातावरण इत्यादि ऐसे सुविधाएं हैं जो हमारे जीवन के लिए अधिक आवश्यक है, पैसे से बढ़कर है। यदि पैसा हमारे पास उपलब्ध है लेकिन ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो वो पैसा बेकार है, किसी काम का पैसा नहीं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे कि व्यक्ति के जीवन के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे के अलावा अन्य सुविधाएं भी व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सार्वजनिक सुविधाएं यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम PDS के नाम से भी जानते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ऐसे आवश्यक या यूं कहिए अनिवार्य वस्तुएं या सेवाएं आती हैं जो जनता को कम से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। जैसा कि इस बार बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, क्यों? यानी केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने के कारण बताइए। तो केरल में क्या है, केरल में वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है, वो पर्याप्त रूप में है, इसलिए वहाँ केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से आवश्यक व अनिवार्य वस्तुएं एवं सेवाएं उचित मूल्य पर यानी कम से कम मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराई जाती है। तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ हो गया। आप लोग नोट्स में देखे होंगे तो इसके बारे में कम लिखवाए होंगे। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या महत्व है, इसके क्या लाभ है? बच्चों, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में आने की इसकी प्रबल संभावना है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ क्या है या इसके महत्व क्या है? तो इसका महत्व ये है कि हमें यानी जनता को जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, जो आवश्यक वस्तुएं होती वो हमें कम मूल्य पर ही मिल जाती है इस प्रणाली के माध्यम से। यानी मूलभूत आवश्यक वस्तुएं या सेवाएं जनता को आसानी से और कम मूल्य में उपलब्ध हो जाता है। और दूसरा है संकट काल में सहायक। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कोरोना महामारी में ये प्रणाली काफी सहायक साबित हुआ है। जैसा कि बच्चों में बता रहा था कि ये प्रणाली संकट काल में कैसे सहायक है,
हम जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कोरोना महामारी के समय यह प्रणाली कैसे अधिक सहायक साबित हुई। तो उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में बहुत से कामगार बाहर से यानी शहरों से अपने घर वापस आए और उन कामगारों को सरकार क्या कर रही है कि खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है। और ये खाद्यान्न उपलब्ध किसके माध्यम से करवा रही है? पीडीएस के माध्यम से यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। और सार्वजनिक एक दूसरा उदाहरण देखते हैं कि दूसरे क्षेत्रों में या दूसरे स्टेट के दूसरे स्टेट में किसी क्षेत्र में जब प्राकृतिक आपदा बाढ़ सूखा भूकंप आदि के रूप में आती है तो इस प्रणाली के माध्यम से वहाँ के यानी वहाँ पीड़ित जनता को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराया जाता है। तो बच्चों ये प्रणाली प्राकृतिक आपदा या संकट काल में कैसे सहायक हो इसकी चर्चा हम कर लिए। फिर नेक्स्ट आपका बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हमें कम से कम कीमत पर आवश्यक वस्तुएं सरकारी दुकानों पर या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर मिल जाती है तो हमें उन आवश्यक वस्तुओं को बाजार में अधिक मूल्य पर लेने की क्या आवश्यकता है। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि यह प्रणाली बाजार की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर कैसे नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो जब हमें आवश्यक वस्तुएं कम मूल्य पर मिल रही हैं तो हम उन्हें अधिक दामों पर बाजार में क्यों खरीद। तो ये तो हो गया बच्चों बाजार में किस प्रकार यह प्रणाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण स्थापित करती है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट प्रजातांत्रिक मूल्य की स्थापना। प्रजातांत्रिक यानी लोगों का शासन, लोगों की शासन प्रणाली यानी कि उसको प्रजातंत्र में क्या होता है कि शासन जनता के द्वारा चलाया, जनता का शासन होता है, जनता के लिए शासन। तो यह प्रणाली भी जनता के लिए ही है, जनता को यह महसूस होता है कि इस प्रणाली के माध्यम से हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही। ये प्रणाली जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही बनाई गई। तो ये प्रणाली क्या है? लोकतांत्रिक मूल्य को स्थापित करने में सहायक है। जनता को यह आभास होता है कि यह प्रणाली हमारे लिए है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो जनता के हित के लिए यह प्रणाली स्थापित है। तो इसलिए बच्चों यह प्रणाली जो है लोकतांत्रिक मूल्य को स्थापित करने में अधिक सहायक। तो एक बार मैं फिर से रिविजन कर दे रहा हूँ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से मूलभूत आवश्यक वस्तुओं को कम मूल्य में कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। फिर इसके हम महत्व आपको बताने दिए हैं। कम मूल्य पर जो आवश्यक या जो कहिए अनिवार्य वस्तुएं होती हैं वे इस प्रणाली के माध्यम से कम कीमत पर मिल जाते हैं। संकट काल में सहायक ये किसी भी आपदा के समय यह प्रणाली अधिक सहायक।
इस प्रणाली के माध्यम से सरकार आपदा पीड़ित लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। फिर बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण, जब आपको कम दाम के वस्तुएं मिल जा रही हैं तो आप अधिक दाम पर बाजार में क्यों खरीदेंगे, और बाजार में दुकानदार उन वस्तुओं को अधिक मूल्य पर नहीं बेच पाएंगे क्योंकि वे वस्तुएं कम मूल्य पर मिल जा रही हैं। फिर है प्रजातांत्रिक, ये जनता की आवश्यकताओं के लिए है, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह प्रणाली स्थापित की गई है, तो इसलिए यह प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्य को स्थापित करने में सहायक। बच्चों, जैसा ये पहला चैप्टर खत्म होने जा रहा है, इस चैप्टर खत्म होने से पहले मैं आप लोगों को एक हेडिंग है उसे समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये हेडिंग मैं ज्योग्राफी में आप लोगों को समझाया था, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी ये एक जगह आया हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस हेडिंग को आप दोबारा समझ लें। हेडिंग का नाम है सतत कौशली विकास, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका दूसरा नाम है धारणी विकास और कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे टिकाऊ विकास। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, धारणी विकास क्या है? धारणी विकास, जैसे सभी देश विकास कर रहे हैं, हर देश अपने को विकसित होने में प्रयत्नशील है, लेकिन वो अपने विकास के लिए ऐसे न जाने अनेक अवांछनीय कार्य कर रहे हैं जो हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। तो ऐसे विकास, प्रेजेंट टाइम में ऐसे विकास की आवश्यकता नहीं है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो परेशानी में जाए। तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बताता है कि हम ऐसा विकास करें जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, उनकी आवश्यकताओं भी अपनी आवश्यकताएं भली भांति पूरी कर सकें, यानी उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना न करें। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास, विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण को प्रदूषित ये भी तथा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना किए बिना विकास किया जाता है, और इसी विकास की आवश्यकता है। हम पर्यावरण को प्रदूषित करके भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना करके विकास नहीं कर सकते, ये विकास क्षणिक है, कुछ ही समय तक है, आने वाले समय में ये विकास विनाश में बदल जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखें कि हम पर्यावरण को प्रदूषित और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना किए बिना विकास करना चाहिए।